हाँ मैं दोबारा कर देता हूँ, देखे ये जानी नहीं चाहिए, थोड़ा सा इस दफा फास्ट करता हूँ, ये चली जाती है, एक जा चुकी है, दूसरी की बारी आ जाती है, ये दूसरी को रखते हैं, स्नैप करते हैं, ये दूसरी चली जाती है, और ये तीसरी रखते हैं, और ये तीनों चली जाती हैं। कोई आइडिया बन रहा है जहन में वैसे, आखिर ये हो कैसे जाता है, बता दिया जाए? प्लीज एक करके दिखाएं हम भी। दोबारा नहीं, इस बार मैं बता ही देता हूँ। मिस्ट्री पहले होनी चाहिए ना, तो देखें हमारे पास एक दो और तीन तीन बॉल्स हैं, और इन तीन बॉल्स का साथ देने के लिए मेरे पास एक दो और तीन तीन कप्स हैं, ठीक है? ये पैंदे इनके बिल्कुल सॉलिड हैं, ठीक है? अगर एक बॉल यहाँ ऊपर रख देते हैं, इसको प्रेस करें, कुछ भी करें, इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ना। अगर मैं इसको कवर कर देता हूँ, मैजिक करता हूँ, तो देखें ये नीचे आ जाती है। दो बॉल्स अपनी बारी की मुंतजर हैं, ठीक है? तो ये हमने इस बार ब्लू कप को रखा, ये देखें ये इसमें नहीं जाना चाहिए, इसे बंद करते हैं, मैजिक करते हैं, लेकिन ये चला जाता है क्योंकि आप मैजिक शो देख रहे हैं, यहाँ पे वही कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बार ज़रा और देखें, इस बार ग्रीन कप है, प्रेस करें, नहीं जाता, मैजिक डार्क में काम करता है, अब डार्क वहाँ हो चुका है, इसे स्नैप करते हैं और ये तीनों बॉल्स आ जाती हैं। कोई आइडिया बन रहा है जहन में वैसे, आखिर ये हो कैसे जाता है? बिल्कुल नहीं। तो रखें, लेकिन पहले आप ज़रा चेक कर लें, ट्राई करें, ये भी अच्छी बात है, ट्राई करनी चाहिए ना, क्योंकि राज पता चलने के बाद तो सारा गेम ओवर हो गया। हाँ भाई आप भी कुछ सोचो तो जरा। ये वैसी का वैसी है, वैसी का वैसी है, वैसी है। ये देखें, बता दिया जाए? प्लीज एक बार करके दिखाएं हम भी। दोबारा नहीं, इस बार मैं बता ही देता हूँ। अच्छा देखें, इसका राज पता है क्या है? इसका राज है एक एक्स्ट्रा बॉल, चौथी बॉल। जिस वक्त आपने मुझसे कहा ना मैं कब चेक करना चाहता हूँ, तो उस वक्त मेरे लिए थोड़ी डेंजर पोजीशन थी, कैमरा भी रोल पे था, मैं कट भी नहीं करना चाहता था, तो मैंने आपको बॉल ये कप्स देते हुए ना जो एक्स्ट्रा बॉल थी ये अपने हाथ में ऐसे ली और ये आपको कप दे दिया। ये एक्स्ट्रा बॉल की मदद से ये सारा इफेक्ट था, ठीक है? तो अब आप देखें इसकी मदद से हो कैसे रहा था। ये एक बॉल ली हमने, कप में रख दी एक, एक कप इसके ऊपर रख लिया और एक कप इसके नीचे रख लिया, तो बीच वाले कप में क्या है? बॉल है। और ये तीन बॉल्स आपने ऊपर रख ली और अब आप परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। लोगों को पता है सिर्फ इन तीन बॉल्स का, तो ये तीन बॉल्स आपने बाहर निकाल ली। उसके बाद इन कप्स को इस तरह से नहीं पकड़ना है, इनको इस तरह से पकड़ना है, इनका माउथ आपकी अपनी जानिब हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि अगर यहाँ होगा तो पता है क्या होगा, जब आप ये वाला कप उठाएंगे तो ये अंदर वाली बॉल उनको दिख जाएगी, और यही आपका राज है, सारे गेम की तामीर इस एक बॉल पे, ठीक है? तो इसलिए आपको इसे ऐसे रखना है। अब आपने इसको कप को लिया, ये रख दिया, ये तो खाली कप था, बीच वाले कप में आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉल है, इसे आपने लिया और यहाँ रख दिया। यहाँ रखते वक्त आपको एहतियात रखनी है, यही आपका बेसिक मूव है, यही एक हल्की सी प्रैक्टिस है, और हमने आपसे वादा किया है हम आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं सिखाने जा रहे कि जो आप देखें जिसका राज देखें फिर कहें ओ माई गॉड इसके लिए तो हफ्तों की प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ इतना सा कि जब आप कप को रख रहे हैं तो आपकी रफ्तार इतनी हल्की ना हो कि कप रखें और बॉल पहले गिर जाए, और ना ही आपकी रफ्तार इतनी ज़्यादा हो कि लोग कहें कोई चालाकी की है, बस सिर्फ इतनी सी। ये देखें ये स्मूथ वे में होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसी इसकी रफ्तार होनी चाहिए, ये बस, ठीक है? अब बॉल यहाँ पे आ चुकी है, लोगों को नहीं पता, अब आप एक बॉल रख देते हैं इसके ऊपर। ऊपर रखने के बाद अगर आप चाहें तो इस तरह से प्रेस करें, किसी को कह भी सकते हैं कि इसको प्रेस करने से ये नीचे नहीं जाएगी, लेकिन अगर इसे बंद कर देते हैं और स्नैप कर देते हैं तो ये नीचे चली जाएगी। हकीकत में ये क्या है, ये वो बॉल है जो पहले ही ब्लू कप में थी, वो नीचे सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं, और जो आपने बाद में रखी है अब वो कहाँ है, वो देखें वो ब्लू के कहाँ आ गई है, ऊपर। तो अब एक बॉल दोबारा जो ब्लू के ऊपर थी, जब आप कप्स को इस तरह से करेंगे तो वो ब्लू के ऊपर होने की वजह से अब किस में चली जाएगी, पिंक के में, रेड में चली जाएगी, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा बॉल दोबारा आपके पास है, आप दोबारा कर सकते हो, ठीक है? तो अभी तो लोग यही देख रहे हैं यार ये बॉल नीचे आ गई, पहला हैरत का झटका उनको लग चुका है, दूसरे के लिए वो बिल्कुल रेडी भी नहीं है और आप उनको देने लगे। अब आपने ये दूसरा वाला कप कहाँ रखना है, इस बॉल के ऊपर, ठीक है? ये दूसरा वाला कप इस बॉल के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर एक एक्स्ट्रा बॉल थी। अब यहाँ नीचे कितनी हो चुकी है ऑलरेडी, दो, देखने वालों को नहीं पता, उनको पता है एक, आपने ये सेकंड बॉल रखी ऊपर और फिर वही बंद कर दिया। अब वो सेकंड बॉल जो ऊपर रखी है वो फिर दोबारा बीच वाले कप में ऑटोमेटिकली जा चुकी है। आपने तीनों कप्स को उठाया, दो बॉल्स दिखा दी, अब वो कह रहे हैं यार ये तो दूसरी भी चली गई, एक रह गई है, ये आपने इसको रखा, यहाँ पे रखा, ये फिर रखा, तीसरी बॉल को ऊपर रखा, बंद किया, स्नैप किया और दिखा दिया तीनों।
अच्छा अब यहाँ तक तो हो गया ये मैजिक, सही है ना, क्लैप वगैरह आपको मिल जाएगी, लेकिन दोस्त रिश्तेदार घर वाले ये जो होते हैं ना, ये चीजें छीन रहे होते हैं और दिखाओ कैसे है क्या है। दूसरे तो खैर यानी उनको तो आप कंट्रोल कर लेते हैं, अब आपका बड़ा भाई है, आपकी बड़ी सिस्टर है, अब्बू है, अम्मी है, या बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है, उससे राज छुपाना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक आपको टिप दे रहा हूँ, अब इस कंडीशन से बाहर कैसे आना है, क्योंकि ये थोड़ी सी डर्टी कंडीशन है, कोई भी आपके कप्स ले लेता है, मुआयना करने लग जाता है, तो उसको एक एक्स्ट्रा बॉल दिख जाएगी। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आप ऐसे उनको कहेंगे कि अब देखें मैं इससे किस तरह से बाहर आ रहा हूँ इस सिचुएशन से। अच्छा आपको पता है ये किस तरह से हो रहा है, नहीं पता चल रहा ना, मेरे पास एक मैजिक बॉल है, ये उसकी मदद से हो रहा है। तो ये देखें अगर मैं इनको दोबारा बंद कर देता हूँ और वो मैजिक बॉल ये यहीं घूम रही है, ये रही, ये इनविजिबल बॉल है, यही ये सारा काम कर रही थी, इस पर मैजिक करते हैं, वो इनविजिबल बॉल वहाँ उन तीन बॉल्स के पास जाके विजिबल हो गई, देखें ये चारों। तो अब क्या हुआ, आपके कप्स खाली हो गए, अब वो चेक करते रहे, कुछ भी करते रहे, कोई मसला नहीं है। और अगर आप इस तरह से बाहर नहीं आना चाह रहे तो फिर उस सूरत में थोड़ी सी एक प्रैक्टिस और है, वो ये कि जब आप कप्स को इस तरह से रख रहे हो चेक करवाने के लिए, तो ये देखें, ये आप जब यूं करेंगे ये बॉल खुद ब खुद आपके हाथ में आएगी, जैसे ही हाथ में आई और ये आपने यूं रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे अपने हाथ पीछे ले आए, वो चेक कर रहे हैं, इस दौरान आपने ये बॉल ली और अपनी जेब में रख दी। अब एक काम करते हैं, मैंने आपको जितनी तफसील से हो सकता था सिखाया है, आप परफॉर्म करके दिखाओ मुझे, ये लो, ये आपके लिए मैंने इसे तैयार कर दिया है, कीजिए कैसे करेंगे, ये थ्री बॉल है, ठीक है, और आपके पास बस ये थ्री कप है, थ्री बॉल है, ठीक है, आपने कप गलत तरीके से पकड़े हैं, पहली गलती ये देखें। अब एक बिल्कुल ऐसा शख्स जिसने कभी ये ट्रिक ना देखी हो, पहली दफ़ा परफॉर्म कर रहा हो, तो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो आपको इनकी परफॉर्मेंस में दिखाई देंगी। इन्होंने कप ऐसे पकड़े हुए, ऐसे कप नहीं पकड़ने, कप का माउथ आपकी जानिब होना चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए। अब एक एक करके कप रखें, बेहतर था, फर्स्ट टाइम के लिए सही था, ठीक है आगे चलें। नहीं यहाँ नहीं रखनी, क्योंकि आपकी बॉल किस कप के नीचे है, बीच वाले कप के नीचे, तो बीच वाले के ऊपर रखनी है, कप बीच वाला जिसके ऊपर रखनी है, प्रेस नहीं करना, सिर्फ प्रेस करके दिखाना है और बोलना है क्या ये नीचे जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब बॉल इसके नीचे आ गई, वाह जबरदस्त, दूसरी बॉल के लिए कीजिए, वही बिल्कुल जैसे स्टार्ट लिया था पहली बॉल के लिए वैसे ही स्टार्ट है, नहीं कपों को ऐसे दोबारा पकड़े ना, ये सही सही सही, ठीक है, क्योंकि ये आपको हमेशा बताना है कि देखे ये जा नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है, जादू का एक्शन लाजमी करा करें, इससे होता कुछ भी नहीं है, सामने वालों पे इम्प्रेशन पड़ता है बस, जादू का एक्शन करो कोई अच्छा सा, हाँ सही जबरदस्त। अब तीसरे के लिए भी बस वही जो दो दफा किया वही करना है, आ, 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 तीसरी वही रहना, हाँ ये 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 ठीक है, छू अच्छा था, छू ये स्टाइल भी अच्छा था, तीनों आ गए नीचे। अब आप क्या करेंगे, अगर मैं आपका दोस्त हूँ, अरे ये क्या यार ये बॉल है इनमें तो कुछ भी नहीं, और इनको चेक करने लगा तो मैं तो इसमें देख लूंगा इसमें एक बॉल है, तो क्या तरीका बताया आपको इससे बाहर आने के लिए, वेरी गुड जबरदस्त, हाँ यार, और इतनी देर में उसको छुपा लेना है। और एक तरीका मैंने आपको और भी बताया था, रखें इसमें बॉल, वो इनविजिबल बॉल वाला तरीका बताया था, अब वो वाला परफॉर्म करें, असल में इनविजिबल बॉल वाला क्या था वो आप शायद भूल गए सारे, मैं दोहरा देता हूँ, इनविजिबल बॉल वाला ये था चक्कर कि आपको बेसिकली ये करना था कि जब तीनों बॉल्स नीचे आ जाती है ना, जब आप दिखाते हैं तीनों आ गई, उसके बाद आप इसको इन कप्स को एक दफ़ा दोबारा रखते हैं, और रखने के बाद इनको बंद कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि ये देखें ये सारा मैजिक हो रहा था एक इनविजिबल बॉल से, और वो ये रही, ये अभी इनविजिबल है, इसे यहाँ मैजिक से पहुँचाते हैं, और ये देखें ये बॉल भी यहाँ पे आ गई। अब ये चौथी बॉल देख के भी लोग परेशान हो जाते हैं, और आप क्लीन भी हो जाते हैं, अब आपके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। अच्छा मैंने आपसे ये कहा था कि आप अपने घर पे ये ट्रिक परफॉर्म कर सकते हैं, करेंगे कैसे, आपके पास तो ये बॉल्स भी नहीं होंगी और आपके पास तो ये कप्स भी नहीं होंगे, ठीक है ना, तो बताता हूँ मैं आपको, ये बड़े मज़े की ट्रिक है, खास बात ये कि कहीं आप जाएँ तो इसका सामान आपको वहीं मिल जाएगा, आप किसी तकरीब में जाते हैं अगर, तो आपको यकीनन इस तरह के डिस्पोजेबल कप्स मिल जाएंगे, चाय वगैरह सर्व हो रही होगी, कॉफ़ी मिल रही होगी आपको, ठीक है ना, और वहीं पे अगर आप तकरीब में जाएंगे तो आपको टिश्यू पेपर्स भी मिल जाएंगे, ऐसा है ना, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, एक बॉल मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई थी पहले से, ठीक है, और इसी तरह की
मजीद बॉल्स बनानी है, ठीक है। एक बॉल आपको पहले से बना लेनी है, जो आपने पहले से बना के बेसिकली बीच वाले कप में पहले से रख देनी है, क्योंकि वो तो आप लोगों के सामने नहीं बनाओगे ना। ये तीन बॉल्स बेसिकली आप हाथ के हाथ बनाओगे, ठीक है। और ये दो, ये बॉल थोड़ी सी बड़ी बन गई है, इसको तो हटा देते हैं। और ये एक और, ये क्या हो गई हमारी, तीन बॉल्स बन गई। अब आप इनके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बॉल तो आपने पहले ही अंदर रखी हुई है, ये तो आपकी तैयारी हो गई। ये तीन बॉल्स उनको धोखा देने के लिए उन्हीं के सामने बनाई है आपने। अब आप परफॉर्म करना शुरू कर दो, प्रिंसिपल वही है। ये ऊपर रखी, बंद किया, मैजिक किया, बॉल नीचे, फिर दोबारा बंद किया, मैजिक किया, और ये भी आ गई नीचे, ठीक है ना। और इसी तरह से ये थर्ड रखी, बंद किया, मैजिक किया, नीचे आ गई। मज़ीद उसके बाद अगर करना है तो आपने एक दफ़ा फिर करा, बंद करा, बोला एक इनविजिबल बॉल भी है मेरे पास, ये जादू की बॉल है, ये मैजिक से वहाँ पहुँचाते हैं। और ये चारों आ गई, एक दो तीन चार। अब वो बॉल्स चेक करते रहें, कप्स चेक करते रहें, उनको इसमें कुछ भी नहीं मिलना। अब आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। ये पहली ट्रिक नहीं है, आखिरी ट्रिक नहीं है, इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स आपके पास आने वाली हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू आप लोगों का।